तो हे गाइस, बहुत बहुत स्वागत है टेक इन हिंदी यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में बताऊंगा कि आप कोई भी बैंक अकाउंट से कोई भी बैंक अकाउंट में कैसे पैसे को ऐड करेंगे। जैसे हम लोग बैंक में जाके पैसे को डिपॉजिट करते हैं या तो फिर कोई भी ई कॉर्नर पे जाके हम लोग पैसे को डिपॉजिट करते हैं, कैश को डिपॉजिट करते हैं, सेम आप मोबाइल से भी कर सकते हो ये चीज एंड आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। बट आपको जो इसके लिए एक स्मार्टफोन होना है, इंटरनेट कनेक्शन एंड आपके पास पेटीएम बैंक होना है, पेटीएम एप्लीकेशन होना है आपके पास, उसके बाद आप जो है बहुत ही आसानी से पैसे ऐड कर सकते हो। एंड मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा कैसे करना है एंड बिल्कुल आप फ्री ऑफ ट्रांजेक्शन में कर सकते हो एंड आप जितना मनी चाहे ऐड कर सकते हो एंड ट्रांसफर भी कर सकते हो। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कैसे पैसे ऐड करना है। तो गाइज, यहाँ पे वीडियो का शुरू में सबसे पहले बता दूं, आपके पास अगर कोई भी बैंक है, चाहे SBI, HDFC, पंजाब नेशनल बैंक या और कोई बैंक है, आप उस बैंक से पेटीएम बैंक पे आप पैसे ऐड कर सकते हो एंड साथों साथ आप पेटीएम बैंक से दूसरा बैंक पे भी सेंड कर सकते हो बहुत ही आसानी से। एंड आप जो बिल्कुल फ्री में करोगे, आपको मैं यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ, जो मिनिमम प्राइस है ऐड करके दिखा देता हूँ एंड ट्रांसफर करके दिखा देता हूँ, जो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो। तो गाइस देखिए, यहाँ पे जैसे मैं पहले बताया कि आपके पास पेटीएम एप्लीकेशन होना है, तो सिंपली आपको पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेना है आपका मोबाइल पे। तो देन आपको सिंपली जाना है पेटीएम वॉलेट पे, क्योंकि आपको जैसे पहले बताया कि अभी डायरेक्ट नहीं हो रहा है तो आपको इनडायरेक्टली ऐड करना है, बट यहाँ पे कोई पैसे नहीं कटेगा। तो अभी नीचे ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी टू पेटीएम वॉलेट, तो आपको जस्ट मैं यहाँ पे 20 रुपीज एक एग्जाम्पल के लिए ऐड करके दिखा दूँ। तो 20 रुपीज ऐड कर लिया, प्रोसेस टू ऐड, एंड यहाँ पे देखिए 20 रुपीज दिखा रहा है। तो आप यहाँ पे पेटीएम बैंक से भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो आपको सिंपली जाना है यहाँ पे नीचे, एंड नीचे जाने के बाद आपको जो ऑप्शन मिलेगा डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड एंड नीचे UPI एंड नेट बैंकिंग, तो सिंपली डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड यहाँ पे जो डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड का नंबर है, नंबर, एक्सपायरी डेट, CVV जो पीछे साइड में रहता है 3 डिजिट का होता है, तो आपको जस्ट यहाँ पे डाल देना। डालने के बाद यहाँ पे जो पे ऑप्शन आ रहा है 20 रुपीज, जैसे मैंने डाला 20 रुपीज प्रोसेस करना है। आई थिंक आपके पास एक OTP आएगा, OTP को आपको प्रोसेस कर लेना है। तो मेरा जो कार्ड ऑलरेडी लिंक होकर रखा है, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा एंड जो CVV मेरा है वो डाल दूंगा। एंड CVV डालने के बाद यहाँ पे जो येस ऑप्शन आ रहा है, आप यहाँ पे येस भी कर सकते हो और नहीं भी कर सकते हो कार्ड को सेव करने के लिए, तो मैं यहाँ पे येस कर दूंगा। एंड पे 20 रुपीज आ रहा है, इसको मैं क्लिक कर लूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा ये प्रोसेस होगा। एंड अगर आप पहली बार कर रहे हो, आपके पास OTP आएगा। तो गाइस देखिए, जैसे मेरे पास OTP आया, तो OTP मैं कॉपी करके डाल दूंगा एंड यहाँ पे मेक पेमेंट इसके ऊपर क्लिक कर लूंगा। तो देखिए यहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो गया मेरा 20 रुपीज एंड यहाँ पे जैसे मैं प्रोसेस कर लिया, ये 20 रुपीज ऐड हो गया। अभी सिंपली आपको पेटीएम वॉलेट पे जाना है। यहाँ पे देखिए 30 रुपीज दे रहा है, क्योंकि मेरा ऑलरेडी 10 रुपीज था, तो पेटीएम वॉलेट पे 20 रुपीज यहाँ पे शो कर रहा है। यानी कि आपका जो है जिस बैंक से आप ऐड करना चाहते हो पेटीएम वॉलेट पे, वो ऐड हो गया। ये पहला स्टेप था। अभी आपको पेटीएम बैंक ओपन करना है एंड जैसे आप ये ओपन करोगे, आपके पास यहाँ पे कार्ड डिटेल शो होगा, नाम शो हो जाएगा एंड आपका अकाउंट पे कितना बैलेंस है वो भी दिखाई देगा। तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन आ रहा है ऐड मनी, इसके ऊपर क्लिक करना है, अदरवाइज आप बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक कर सकते हो। एंड नेक्स्ट आपको यहाँ पे ऐड मनी का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर जाना है एंड आपको जितना भी अमाउंट डालना है आप डाल सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पे 20 रुपीज ऐड करना चाहता हूँ, जो मैंने ऐड किया था 20 रुपीज डाल दिया। सिंपली आपके पास यहाँ पे नीचे 4 ऑप्शन मिल जाएगा, जो मेरा ऑलरेडी 2 बैंक ऐड होके रखा है एंड पेटीएम बैलेंस एंड योर अकाउंट विथ अनदर बैंक। यहाँ पे आप ये कर सकते हो, बट UPI ID से करना है आपको, योर बैंक विथ अनदर बैंक। एंड जैसे मैंने बताया कि विदाउट UPI ID में आप कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पे आपको पेटीएम बैलेंस इसके ऊपर क्लिक करना है 20 रुपीज एंड प्रोसेस सिक्योरली। एंड यहाँ पे देखिए चार्ज जो है 0% है, यानी कोई भी चार्ज नहीं कटेगा। अगर आप 20 रुपीज ऐड करोगे 20 रुपीज ही कटेगा एंड आप कितना भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन आएगा प्रोसेस, तो प्रोसेस के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रोसेस के ऊपर क्लिक करोगे, यहाँ पे प्रोसेसिंग होगा एंड यहाँ पे कुछ सेकेंड टाइम लेगा एंड उसके बाद ये ऐड हो जाएगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली 20 रुपीज आपका पेटीएम बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा एंड आपको यहाँ पे अपडेटेड सेविंग अकाउंट बैलेंस दिखा रहा है 20.69 रुपीज, जो आपको पहले 0.69 रुपीज था। जस्ट मैं एग्जांपल के लिए इसको 20 रुपीज ऐड किया हूँ। एंड उसके बाद अगर आप पेटीएम बैंक अकाउंट में नहीं रखना चाहते हो, दूसरे बैंक अकाउंट में इस पैसे को भेजना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, सिंपली मनी ट्रांसफर करना है एंड आपको जाना है बैंक अकाउंट या तो फिर UPI ID या मोबाइल नंबर डाल के आप सेंड कर सकते हो एंड आप दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो गाइस यही एक तरीका है जिसके थ्रू आप जो है एक बैंक अकाउंट से दूसरा बैंक अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हो, यानी कि डिपॉजिट कर सकते हो एंड बहुत ही आसानी से आप फ्री ऑफ कॉस्ट में जो कर सकते हो एंड बिना आप बैंक पे जाके आप ये कर सकते हो घर बैठे। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आए एंड अगर वीडियो पसंद आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, नमस्कार।